उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चला रही है मंदिर मस्जिद और और जगह जगह को चेक किया जा रहा है है इनकी आवाज अगर मानक से ज्यादा निकलती है, तो एक्शन लिया जा सकता है यूपी सरकार का लाउड स्पीकर के खिलाफ एक्शन सुबह पांच बजे से शाम सात बजे तक चलता है सत्ताईस नवंबर से यह अभियान शुरू हो गया और बाईस दिसंबर तक चलेगा सरकार की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि अब तक प्रदेश भर में इकसठ हजार लाउड स्पीकर को चेक किया जा चुका है इनमें से सात लाउड स्पीकर की आवाज कम करवाकर मानक के अनुसार करवाई गई जबकि तीन हजार लाउड स्पीकर को हटवाया गया सरकार ने हर जिले में एक टीम बनाई है जो धार्मिक स्थलों स्थलों के साथ साथ सार्वजनिक पर लगे को को चेक कर रही है लेकर बवाल नया नहीं है पिछले साल मई में भी यूपी में चौवन हजार से ज्यादा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए थे जबकि साठ हजार लाउड स्पीकर की, की आवाज कम की गई थी लाउड स्पीकर को लेकर कुछ साल पहले बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने भी आपत्ति जताई थी उन्होंने कहा था कि सुबह सुबह लाउड स्पीकर की तेज आवाज से नींद में खलल पड़ता है बहरहाल देश भर में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल को लेकर मना ही नहीं है लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ शर्तें रखी गई हैं ताकि इस्तेमाल के वक्त दूसरे के जीवन पर इसका असर ना पड़े लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर संविधान में नॉइज पॉल्यूशन रूल्स दो में प्रावधान है नियम है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर लाउड स्पीकर या कोई वाद्य यंत्र बचता है तो उसके लिए पहले से इजाजत लेनी होगी इतना ही नहीं अगर आप अपने घर या रिहायशी इलाके में उनका इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी नियम है नियम के मुताबिक सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत है अगर इसका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर कर रहे हैं तो प्रशासन से लिखित अनुमति लेना जरूरी है हालांकि राज्य चाहे तो कुछ मौके पर इसमें रियायत दे सकती है सरकार किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउड स्पीकर या दूसरे यंत्रों को बजाने की अनुमति 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकती है हालांकि ऐसी अनुमति साल में सिर्फ पंद्रह बार दी जा सकती है पोल्यूशन पोल्यूशन रूल्स के अंतर्गत सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड ने चार अलग अलग इलाकों के हिसाब से ध्वनि का मापदंड तय किया है इसके मुताबिक इंडस्ट्रियल कमर्शियल रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन में कितनी आवाज रहेगी कि इसका मापदंड तय है इंडस्ट्रियल जोन में ध्वनि का स्तर दिन में समय पचहत्तर डेसीबल रात के समय सत्तर डेसीबल तक है कमर्शियल जोन में दिन में पैंसठ डिस और रात में पचपन डेसीबल तक रहने की लिमिट है रेजिडेंशियल जोन में दिन के वक्त ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के समय में 45 डेसिबल की लिमिट है वहीं साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल का स्तर है नियम के मुताबिक साइलेंट जोन में लाउड स्पीकर या कोई तेज आवाज वाला यंत्र बजाने की रोक नहीं है साइलेंस जोन में अस्पताल स्कूल और कोर्ट जैसी जगह शामिल है हालांकि अनुमति और शर्तों के साथ बजा सकते हैं वहीं दिन के समय यानी सुबह छह बजे से लेकर रात दस बजे तक और रात के समय यानी रात के दस बजे से सुबह छह बजे तक भी घर पर भी लाउड स्पीकर बजाने को लेकर नियम है नियम के मुताबिक रिहायशी इलाकों में लाउड स्पीकर या कोई भी तेज आवाज के यंत्र ध्वनि का स्तर दिन में पचपन डेसिबल और रात में पैंतालीस डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो नियमों का उल्लंघन पर आपको जुर्माना हो सकता है कैद हो सकती है इन नियमों को तोड़ने पर पांच साल की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है इतना ही नहीं संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद और और हर नागरिक को बेहतर वातावरण शांति से जीवन जीने का अधिकार देता है उन्नीस में पीए जैकब बनाम कोटायम एसपी के मामले में केरल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था अनुच्छेद उन्नीस एक के तहत मिली अभिव्यक्ति की कि स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं देती अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डिफेंस अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डिफनेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के मुताबिक इंसान के कान के लिए 70 डेसिबल तक की आवाज़ सामान्य है भारत के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसकी लिमिट पैंसठ डेसिबल तय कर रखी है यानी इससे तेज़ आवाज़ में कोई नुकसान हो सकता है लेकिन अगर इससे आवाज़ तेज़ है तो नुकसान ज़्यादा होगा पचपन डिसिबल कितना होता है इससे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनकी आवाज़ का लेवल साठ डिसिबल होता है इंसान की सांस लेने की आवाज दस डेसिबिल के आसपास है पिन गिरने की आवाज दस डेबल की आवाज़ निकलती है डब्ल्यू एच ओ का कहना है कि अगर आवाज का हिस्सा सत्तर डेसिबिल से कम है तो यह ठीक है अगर कोई अस्सी डिसबल से ज्यादा की आवाज़ आठ घंटे से ज्यादा रहता है तो इसे खतरनाक हो सकता है ज्यादा तेज आवाज सुनने से हेयरिंग लॉस का खतरा है डब्ल्यू एच ओ के मुताबिक आने वाले समय में एक दशमलव एक अरब लोगों की हेरिंग लॉस का खतरा है वह इसकी वजह पर्सनल ऑडियो डिवाइस होगी